गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको रिसर्च डिजाइन बताएंगे। रिसर्च डिजाइन क्या है? जैसा कि आप देखें कि एमएड सेकेंड सेमेस्टर में रिसर्च डिजाइन एक यूनिट में दिया गया है और उसको आपको पढ़ना है। तो रिसर्च डिजाइन क्या है? रिसर्च डिजाइन एक प्लान है या स्ट्रक्चर है किसी इन्वेस्टिगेशन का। यानी जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो एक प्लान बनाना पड़ता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई आप काम करें और विदाउट मेकिंग एनी प्लान? तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिसर्च डिजाइन की एक बड़ा काम है और इसको करने के लिए आपको एक प्लान बनाने की जरूरत पड़ती है। और प्लान क्यों बनाते हैं? इसलिए कि जो रिसर्च क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है उसका जो है सलूशन मिल सके, उसका आंसर हम दे सके। लेकिन सिर्फ एक प्लान नहीं है बल्कि स्ट्रक्चर भी है। रिसर्च डिजाइन सिर्फ एक प्लान नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चर भी है। एक एग्जांपल की सहायता से बताएंगे कि कैसे जो है एक प्लान है और स्ट्रक्चर भी है। तो मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम है कि मीनिंगफुल लेसन है, कोई लेसन है जिसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद लर्निंग एबिलिटी उस लेसन में उत्पन्न होती है, आप सीख जाते हैं उस लेसन को पढ़ने के लिए। लेकिन अगर उस लेसन में मीनिंगफुल लेसन है तो ऐसा होता है कि आप जल्दी उसको सीखते हो, लेकिन अगर मीनिंगफुलनेस नहीं है उसमें तो उस लेसन को हम जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो इसका मतलब दो वेरिएबल की बात हम कर रहे हैं। एक है मीनिंगफुलनेस ऑफ द लेसन, मतलब लेसन जो है मीनिंगफुल है या नहीं है, और दूसरा चीज कि जो एबिलिटी यानी लर्निंग की जो एबिलिटी है वो कैसे है, कि क्या लर्निंग एबिलिटी जो है उत्पन्न होती है या नहीं, उस पे मीनिंगफुलनेस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह दो वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, एक है मीनिंगफुलनेस और एक जो है दूसरा क्या है, एबिलिटी है। क्या आप में कोई बताएगा कि इसमें से कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा जो है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो लर्निंग एबिलिटी हो रही है वह आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर इस रिसर्च को कंडक्ट करना हो, इसको जो है आपको करना हो तो क्या करना होगा, इसका प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान का मतलब ये है कि आपको कैसे डेटा कलेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, सैंपलिंग कैसे करेंगे, ये चीजें आती हैं। लेकिन सिर्फ प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि इसका एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो रिसर्च है वह एक साइंटिफिक स्टडी है। ये नहीं कि मनमाना जो आप रिसर्च कर ले, ऐसा नहीं है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? दो ग्रुप लेना होगा और दोनों ग्रुप में कुछ सब्जेक्ट को रैंडमली जो है असाइन करना होगा, कि दो ग्रुप में जो सब्जेक्ट है उनको हम रैंडमाइजेशन के थ्रू दोनों ग्रुप में कुछ लोगों को हम रखें, ठीक। और उसके बाद एक ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप कहेंगे और दूसरे ग्रुप को जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का क्या मतलब है कि उसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी ट्रीटमेंट यहां पर कैसे होगा कि मीनिंगफुल लेसन में उसको पढ़ाया जाएगा और कंट्रोल ग्रुप में क्या होगा कि जो मीनिंगफुल चीजें नहीं है या जिसमें मीनिंगफुलनेस की कमी है सामान्य तौर पर उनको पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद इनका असेसमेंट किया जाएगा, लर्निंग एबिलिटी देखी जाएगी दोनों ग्रुप की। तो जो दो ग्रुप बन रहे हैं, एक ग्रुप आपका कंट्रोल ग्रुप है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है,
तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें लर्निंग आउटकम कितना आता है, और दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप है उसका जो है लर्निंग आउटकम कितना आता है, और इस दोनों ग्रुप का लर्निंग आउटकम निकालेंगे, उनका मीन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, जो भी आप स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज है कि इसका हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि दोनों ग्रुप के मीन में यानी लर्निंग एबिलिटी में क्या डिफरेंस है या नहीं है। तो जब दोनों ग्रुप के मीन में डिफरेंस आएगा तो हम कहेंगे कि किसका इफेक्ट है, मीनिंगफुलनेस का इफेक्ट है। तो इसके लिए जो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी दो ग्रुप लेते हैं और उस ग्रुप को कैसे रैंडमली असाइन करेंगे उसमें, और उसके बाद एक पर कैसे ट्रीटमेंट देंगे, तो जो यह सिस्टम हम बनाते हैं इसी को स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी जो रिसर्च डिजाइन है वह सिर्फ एक प्लान नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चर भी है। लेकिन प्लान और स्ट्रक्चर से भी हटके है कि इसके बाद रिसर्च में जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उसका समाधान कैसे मिल रहा है, तो इसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, तब एक अच्छी रिसर्च डिजाइन बनती है। रिसर्च डिजाइन जब विदाउट एनी प्लान बनाते हैं तो उसको हम अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो है साइंटिफिक इंक्वायरी भी नहीं होती और उसका सही से समाधान भी नहीं मिलता है। तो रिसर्च डिजाइन को डिटेल में आज पढ़ेंगे, रिसर्च डिजाइन में और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं या कैसे उसको करते हैं और कितने प्रकार की जो है रिसर्च डिजाइन होती है। क्या आप ऐसा रिसर्च कर सकते हैं बिना प्लान बनाए हुए कोई? इसलिए रिसर्च करने के लिए सबसे पहले प्लान बनाने की जरूरत पड़ती है। रिसर्च डिजाइन इज अ प्लान एंड स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंसीव्ड टू आंसर द रिसर्च प्रॉब्लम। तो आप यहां देख सकते हैं कि इसमें रिसर्च डिजाइन में दो शब्दों का इंपॉर्टेंस दिया गया है, एक तो प्लान या ये प्लान है और दूसरा स्ट्रक्चर है। और यह जो प्लान और स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है क्यों बना रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए यानी रिसर्च स्टडी के लिए बना रहे हैं, और इस कंसीव कल्पना करते हैं टू आंसर द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसका जो सही से उत्तर मिल सके इसके लिए हम जो है ये प्लान बनाते हैं। यह आप कर्लिंगर साहब ने इस परिभाषा को दिया था, और एग्जांपल जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर दिया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मीनिंगफुलनेस ऑफ अ लेसन ऑन द एबिलिटी टू लर्न द लेसन। इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हमने किया और इसको रिसर्च डिजाइन बना करके हम इस स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं। रिसर्च डिजाइन को डिटेल में हम समझते हैं, रिसर्च डिजाइन क्या है, अ फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स चूजन बाय अ रिसर्चर टू कंडक्ट द स्टडी। रिसर्च डिजाइन क्या है, अ फ्रेमवर्क है रिसर्च मेथड, इस फ्रेमवर्क में रिसर्च मेथड और टेक्निक्स की बात की जाती है और रिसर्चर द्वारा कोई स्टडी कंडक्ट करने के लिए इसको चूज किया जाता है। रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट वर्ड से हम थोड़ा अच्छे समझते हैं रिसर्च डिजाइन को, कि रिसर्च डिजाइन क्या है, एक ब्लूप्रिंट है किसका, साइंटिफिक स्टडी का। इट इंक्लूड्स रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, टूल्स होंगे जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, और टेक्निक्स होंगे जिससे कि आप उस रिसर्च को कर सके। इससे क्या मदद मिलती है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द प्रॉब्लम दैट मे अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रिसर्च एनालिसिस। जब रिसर्च का प्रोसेस हम करते हैं तो
यह इसमें मदद करता है, यानी इसकी सहायता से हम रिसर्च को आसानी से कर लेते हैं। रिसर्च डिजाइन बनाने से रिसर्चर को फायदा मिलता है कि वो रिसर्च मेथड क्या है उन सब्जेक्ट के लिए जिसपे स्टडी किया जा रहा है और जो प्रॉब्लम है उसको सफलतापूर्वक कंडक्ट करने के लिए कौन सा मेथड होगा, इसको लिमिटेड कर देता है, यानी स्पेशली बताता है कि किस प्रकार का मेथड होगा और इसमें कौन सा मेथड जो है सही होगा या एप्रोप्रिएट होगा। तो इससे जो है हमारी स्टडी जो है क्लियर हो जाती है और इस कई मेथड्स हैं तो उसमें हम कंफ्यूज नहीं होते हैं कि कौन सा मेथड होगा, ये क्लियर कट हमको पता चल जाता है रिसर्च डिजाइन में। और इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, रिसर्चर यूजुअली चूजेस द रिसर्च मेथोडोलॉजीज टेक्निक्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिसर्च, स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हम इसको चूज करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा दूसरी तरह से समझे तो यह एक डॉक्यूमेंट है, रिसर्च स्टडी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन रहती है, किसके बारे में, टेक्निक्स के बारे में, मेथड्स के बारे में और जो प्रोजेक्ट या रिसर्च किया जा रहा है उसका डिटेल होता है कि इसमें क्या चीज करना है कैसे करना है। रिसर्च डिजाइन एज ए ग्लू दैट होल्ड्स द रिसर्च प्रोजेक्ट टुगेदर, काफी अच्छा लगता है कि रिसर्च प्रोसेस में या पूरे रिसर्च में कई कंपोनेंट्स हैं, कई हाइपोथेसिस है, कई ऑब्जेक्टिव है, कहीं पर डेटा कैसे कलेक्ट करना है, एनालिसिस के लिए क्या करना है, तो इन सब कंपोनेंट को ये जोड़ता है, रिसर्च डिजाइन इन सभी कंपोनेंट को जोड़ती है, तो इसलिए रिसर्च डिजाइन एक ग्लू की तरह काम करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ द रिसर्च डिजाइन, इसके क्या सिद्धांत है, कुछ ऐसे सिद्धांत है रिसर्च डिजाइन के, इसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम कैसे होगी रिव्यू करते हैं और हाइपोथेसिस को स्पेसिफाई करते हैं, हाइपोथेसिस क्या होगी कैसे होगी, सोर्सेज ऑफ डेटा के बारे में बात करते हैं कि डेटा कहां से होगा कैसे होगा एंड और इसमें डेटा को कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे, कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, इसके बारे में रिसर्च डिजाइन जो है बनाते समय ध्यान देना चाहिए। जो प्रोसेस है रिसर्च डिजाइन का उसमें कुछ स्टेप्स हैं कि रिसर्च डिजाइन जो है कौन कौन से स्टेप के थ्रू इस प्रोसेस को करते हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिसर्च डिजाइन सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, रिसर्च को करने का एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड जो है अप्रोच है। टू इंश्योर द स्टडी इज वैलिड रिलायबल एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल रिजल्ट्स, ऐसा हम क्यों करते हैं कि जो रिजल्ट आए वो क्या हो, रिलायबल हो, वैलिड हो और उसका जो आउटकम आ रहा है वो यूज में लाया जा सके, इसलिए यह रिसर्च डिजाइन हेल्प करती है। तो इसमें जो स्टेप्स हैं प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम इसमें एम्स अप्रोच की बात करते हैं कि कौन सा एम्स या अप्रोच होगा, क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव कैसे है, यानी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजी जो है उसकी बात हम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में रिसर्च डिजाइन चूज करते हैं कि किस टाइप की यह स्टडी है, आप पहले पढ़ चुके होंगे कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, कोरिलेशनल स्टडी होती है, सर्वे होता है, केस स्टडी है, एथनोग्राफी है, तो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वह किस स्टडी के अंतर्गत आता है, यानी किस टाइप की स्टडी है, इसकी बात जो है हम रिसर्च डिजाइन में करते हैं, इसको चूज करते हैं कि इसमें से कौन है। ये नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन ले रहे हैं और बिना समझे दूसरा कोई मेथड यूज करें या दूसरे स्टडी के अंतर्गत इसको कंसीडर करें तो फिर जो रिजल्ट आएगा वह वैलिड नहीं। पॉपुलेशन और सैंपलिंग के बारे में बात करते हैं कि इसमें पॉपुलेशन क्या होगा, सैंपलिंग कौन सी होगी, सैंपलिंग और के बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, परपोजिटिव सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड है, रैंडम सैंपलिंग है, दो मेन कैटेगरीज हैं प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग है, तो इसमें कौन सी सैंपलिंग सही होगी यूज होगी उसकी बात हम जो है रिसर्च डिजाइन में करते हैं। थर्ड प्रोसेस है, थर्ड स्टेप पर इसको हम करते हैं।
डेटा कलेक्शन मेथड के बारे में बात करते हैं कि डेटा जो है वो किस मेथड के अंतर्गत कलेक्ट होगा, यानी कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे। सर्वे करना होगा, इंटरव्यू लेना होगा, या ऑब्जर्वेशन है, या एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसमें से कौन सा टूल और डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको जो है हम सेलेक्ट करते हैं। डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे उसके प्रोसीजर की बात करते हैं, किस समय डेटा कलेक्ट होगा, कैसे कलेक्ट होगा, उसका लोकेशन क्या है, टाइम फ्रेम वर्क क्या है, और कौन से पर्सन में इन्वॉल्व होंगे डेटा में, और इथिकल इश्यूज है या नहीं, इनकी बात जो है नेक्स्ट प्रोसेस में करते हैं, यानी इस डेटा कलेक्शन प्रोसीजर के अंतर्गत हम इसकी बात करते हैं। और इसके बाद डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि कौन सी स्टैटिस्टिक्स इसमें यूज करेंगे, कौन सी एनालिसिस होगी, या टेस्ट का नेचर कैसा है, पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक है, दो ग्रुप के बीच में डिफरेंस निकालना है तो कौन सा टेस्ट लगेगा, टी टेस्ट लगाएंगे, मॉन्टविटनी टेस्ट लगाएंगे, या फिर कोई और, कैसे आप डिफरेंस निकालेंगे। दो से अधिक ग्रुप है तो उसमें आप जो है इनोवा लगाएंगे या क्रुस्कल वाली टेस्ट लगाएंगे, तो इसको कैसे हम करेंगे, तो इस चीज को जो है रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत इस प्रोसेस में हम कंसीडर करते हैं। आप देखते हैं कि हम रिसर्च शुरू कर देते हैं, सिनॉप्सिस बना लेते हैं, लेकिन उसमें अच्छे से हमें नहीं बताते कि कौन सा मेथड होगा, कैसे इसका आंसर लगेगा, कौन सी एनालिसिस होगी, तो इस चीज को रिसर्च डिजाइन बनाते समय ध्यान देना चाहिए। कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे रिसर्च डिजाइन की। न्यूट्रलिटी होना चाहिए, यानी न्यूट्रल, आप बायस्ड मत होइए, अपनी भावना को उसमें मत लाइए। न्यूट्रल होने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ शुरू में जो एजम्पशंस है उनको सोच समझ के बनाइए कि एजम्पशंस क्या होंगे। बायसनेस नहीं आनी चाहिए, आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। जैसे हम कई करते हैं कि मेल और फीमेल के मैथमेटिक्स अचीवमेंट में डिफरेंस है, तो आप ये मत बायस हो जाइए, शुरू से ही ऐसे धारणा मत बना लीजिए कि किसी एक ग्रुप चाहे मेल का या फीमेल का जो है अधिक होता है। तो जब आप इससे जुड़ जाएंगे तो फिर रिजल्ट को जो है वो ये प्रभावित करेगा, आपका विचार जो है वो रिजल्ट को प्रभावित करेंगे। डेटा से जो रिजल्ट आना चाहिए, जो कि अगले पॉइंट में लिखा है कि अंडरस्टैंड ओपिनियन अबाउट द फाइनल इवैल्यूएटेड स्कोप, यानी जो रिजल्ट आएगा उसमें आपकी बायसनेस नहीं होगी, बल्कि डेटा जो मिल रहा है वो क्या कह रहा है, डेटा से क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके अनुसार आपको रिजल्ट बताना चाहिए। कंक्लूजन, किसी एक दो से नहीं बल्कि मल्टीपल इंडिविजुअल जो कि उससे एग्री हो या ना हो, जिस तरह की बात हो, यानी किसी एक इंडिविजुअल पर आधारित आपके निर्णय नहीं होने चाहिए, रिजल्ट नहीं आने चाहिए, बल्कि कई लोगों से जो है डेटा होना चाहिए। तो न्यूट्रलिटी के अंतर्गत हम इसकी बात देते हैं। रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल का मतलब क्या है कि अगर इस रिजल्ट को, इस रिसर्च को कोई दूसरा बाद में करे और इसी परिस्थिति में करे तो फिर सेम टाइप का जो है रिजल्ट आना चाहिए, तब वो रिलायबल होगा। ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बायसनेस या कुछ और फैक्टर्स जो है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। वैलिड होना चाहिए कि क्या जो टूल आप ले रहे हैं या जो डेटा ले रहे हैं तो वो जो ऑब्जेक्टिव है उनसे मैच कर रहा है कि नहीं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप रिजल्ट दे रहे हैं, डेटा ले रहे हैं या स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, या फिर जो रिसर्च है वह किसी और चीज को मेजर कर रहा है। अगर इसमें डेविएशन है तो इसका मतलब कि वो वैलिड नहीं है। जनरलाइजेशन का गुण होना चाहिए, यानी अगर कोई रिसर्च आप कर रहे हैं, इतना एफर्ट कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत संकुचित लोगों पे, कुछ ही लोग पर अप्लाई हो रहा है, तो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो इसमें जनरलाइजेशन मतलब एक सैंपल पे आप रिसर्च कर रहे हैं और पॉपुलेशन पर जनरलाइज होने का गुण उसमें होना चाहिए, यानी उसके लिए सही हो इसका ध्यान रखना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन है, हम इनकी बात करते हैं, लेकिन इसको करने से पहले
कुछ मटेरियल आपको दिखाना चाहेंगे। This is Jules, VP of a capture company, about to use her. What is research design? If a research method is the strategy employed in the collection of data or evidence for analysis to uncover new information or arrive at a better understanding of a particular topic, and if a research methodology is the plan that explains why a particular research method is employed, a research design is the overview or the plan of the actual steps. In particular, the research design is a plan to answer the research question. This plan includes an outline of how the research is going to be structured and undertaken, as well as describes the general plan for collecting, analyzing, and evaluating data. It is important to note that researchers can only come up with a research design once they know exactly what they want to know and what has to be dealt with to obtain the required information. Hence, a research design has to consider the following. First, the problem. Second, the methodology. Third, data collection. इस प्रकार से हमने देखा रिसर्च डिजाइन क्या है। दो टाइप्स के रिसर्च की हम बात करते हैं। जो मेजर दो कैटेगरीज हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन में स्टैटिस्टिक्स का काफी रोल है, और अगर इस तरह का प्रश्न है, क्वेश्चन जो है, जो प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी है, उसमें हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरह का आप स्टडी करना चाहते हैं, यानी इस तरह की जानकारी की जरूरत है कि कोई चीज कितनी, उसका डिस्पर्शन कितना है, किसी एट्रीब्यूट कितना फैला हुआ है, उसकी मात्रा कितनी है, तो फिर इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन को हम यूज करेंगे। जो इसका आउटकम है वह ग्राफ, चार्ट और कुछ डेटा एनालिसिस भी आगे चल के यूज करते हैं, जैसे टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, NOA है, NCOA है, सब यूज करके हम जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन करते हैं। लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है, जब आपको किसी स्टडी को डेप्थ में करना है, नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में करना है, उसके बारे में जानकारी लेना है, तब जो है आप क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन करते हैं, और यह खास करके हाउ एंड व्हाई क्वेश्चन का आंसर देती है। यानी इस तरह का अगर कोई प्रश्न है कि ये चीज कैसे फिनोमेना हो रही है, घटना कैसे घट रही है और क्यों हो रहा है, तो वहां पर आप क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन को यूज करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वह ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये, सब्जेक्ट को आप फ्रीडम देते हैं, सब्जेक्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड रिस्पांस करता है, यानी उसके जो है रिस्पांसेस आते हैं। तो यह जो है दो ब्रॉड कैटेगरी है रिसर्च डिजाइन की, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। आगे चल करके हम आपको कुछ और कैटेगरीज की बात करेंगे जो इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होती है, कोरिलेशनल रिसर्च क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होते हैं, और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होते हैं। तो आज हम इतना बताना चाह रहे हैं आपको, कुछ जो है ई रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं, जिसको आप खुद ही घर पर पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लिंक दिया है, इसको अगर ओपन करते हैं तो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल रिसर्च के लिए डिटेल में बताया गया है। सेकंड लिंक से भी आपको कुछ रिसर्च डिजाइन में क्या चीजें इंपॉर्टेंस है, और क्या कहां पर सिनॉप्सिस बनाते समय कहां पे रिसर्च डिजाइन का रोल है, या कैसे रिसर्च डिजाइन के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि टाइटल आप लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, लिमिटेशन, तो इसमें क्या चीजें सिनॉप्सिस में आती हैं और क्या चीजें आगे रिसर्च डिजाइन में कैसे यूज होती हैं,
उनके बारे में यहाँ पे इसमें बताया गया।